20 तारीख को जो घटना घटी उसके अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जिसको अपराधी को बचाने का नाम आया जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति आज भी पूछताछ के लिए पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुई है। पूरा प्रॉपर्टी लखीसराय में उसका पड़ा हुआ है, क्यों नहीं कुर्की वारंट लेकर उसको कुर्की किया जा रहा है। सरकारी लाभ के लिए हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया, वो गोल गोल घुमाने लगे बात को कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लेके आइए, डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए। महाराज किस जमाने में जी रहे हैं आप? आपके कार्यालय में एक आवासीय प्रमाण पत्र हाथों हाथ आप नहीं दे सकते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथों हाथ मिलता है? पूछबो बैसाख में 5 तारीख के बहन के बियाह कल कर हमरा सामने में कहलकन जब मारि देबो तोरा मारि देबो, तो हम कहलियन हमरा सामने में हमर बेटी के मार, हम तोरा देख लेबो देख लेबो। तो हे अभी सालो नहीं लगल, हमर बेटी चल गेले, अब की करिए अम्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूँ कमलेश। जैसा कि पिछले जो है 20 नवंबर को लखीसराय में 6 लोगों की गोली मारी गई थी, और आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो फरार है। रात की घटना है और सत्संदा गांव में जो है 3 लोगों को फिर से जो है मारा गया है। एक जो महिला है उसकी गला दबाकर हत्या की गई है, वहीं 2 बच्चे हैं उनका गला रेत दिया गया है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जो है बीजेपी के दीपक जी हैं। दीपक जी, ये प्रशासन जो है क्या कर रही है? पहला भी जो अपराधी नहीं पकड़ाया है, फिर लगातार लखीसराय में अपराध बढ़ रहा है। ऐसा है कि पूरे राज्य में ये जो नीतीश जी की सरकार और तेजस्वी की सरकार जब से आई है, अपराधियों का मनोबल दिन रात बढ़ गया है। सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, अपराधियों के अंदर शासन का कोई भय नहीं रह गया है। जब चाहे तब अपराध करें, जब चाहे तब हत्या करें, जब चाहे डकैती करें, जब चाहे लूट को अंजाम दे, कोई इसको डर नाम का चीज नहीं रह गया है। सरकार इकबाल से चलती है। ये पुरुषार्थ खोया मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं, तो इनका क्या कानून व्यवस्था रहेगा? 20 तारीख को जो घटना घटी उसके अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जिसको अपराधी को बचाने का नाम आया जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति आज भी पूछताछ के लिए पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुई है। पूरा प्रॉपर्टी लखीसराय में उसका पड़ा हुआ है, क्यों नहीं कुर्की वारंट लेकर उसको कुर्की किया जा रहा है? तो निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था का मामला है, और मैं अब मांग करता हूँ कि लखीसराय की जनता ये पुलिसिंग से उब चुकी है, और ये तत्काल SP को यहाँ से स्थानांतरित करके अन्य पद पर दे दिया जाए। कोई अच्छे कप्तान का को कमान दिया जाए लखीसराय में। यस मैन चुन करके भेजने का ये नतीजा है कि लखीसराय की जनता रोज त्रस्त हो रही अपराधियों से। आज देखिए 3 व्यक्ति को मारा गया है, जिसमें एक की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई है, 2 बच्चे जिंदगी और मौत से PMCH में जूझ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, उनकी भी हालत चिंताजनक है, उसका सदर हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया है। ये स्थिति बनी हुई है, तो हम कभी खामोश नहीं बैठेंगे, एक एक व्यक्ति की लड़ाई हम लड़ेंगे। अब देखिए, इस व्यक्ति का कोई अगर निदान नहीं निकलता, अपराधी नहीं पकड़ाते हैं, इसके लिए भी आंदोलन होगा। एक ही परिवार का, पिछली बार भी जो भी हुआ था घटना एक ही परिवार का था, फिर लगातार कैसे देख रहे हैं कि उस परिवार की घटना को भी पुलिस प्रेम प्रसंग बता के फोटो खेल रही थी। अरे भैया, फेसबुक से फोटो निकाल लिए, एक अनपढ़ व्यक्ति का स्क्रिप्ट आप 15-16 पन्ना का ले लिए, पुलिस को भ्रमित कर दिया, और पूरी घटना जो है प्रेम प्रसंग पर आप कंसंट्रेट कर लिए, जबकि घटना जमीन विवाद का था। लास्ट में पुलिस उस पर जांच करना शुरू करी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मांग जायज था, और उस परिवार की न्याय की जो हमने आवाज बुलंद करी थी वो आवाज सत्य था, और मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा था। इस ये जो पीड़ित परिजन है, अभी इनको क्या सरकारी लाभ जो है? सरकारी लाभ के लिए हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया, वो गोल गोल घुमाने लगे बात को कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लेके आइए, डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए। महाराज किस जमाने में जी रहे हैं आप? आपके कार्यालय में एक आवासीय प्रमाण पत्र हाथों हाथ आप नहीं दे सकते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथों हाथ मिलता है? अभी 4 घंटा पहले उसकी हत्या हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोज रहे हैं, कैसे इसका पारिवारिक लाभ का भुगतान होगा? गरीब आदमी दाह संस्कार भी नहीं कर सकता इस देश में क्या? कैसा शासन आप स्थापित करना चाह रहे हैं? हम जिलाधिकारी महोदय से बात किए हैं, SDM महोदय से बात किए कि तत्काल इसको जो राहत मिलना है उसको तुरंत भुगतान करवाइए। ये गोल गोल घुमाने की संस्कृति को आप बंद कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं होता है, हम एक एक मुद्दा को लेकर सड़क पर संघर्ष करेंगे, और इस सरकार को एक दिन उखाड़ने का हम काम करेंगे। पीड़ित जो परिजन है, तेतरी देवी जिनकी हत्या हुई है, उनकी माँ है, क्या घटना हुआ था, कैसे क्या पता चला आपको? कैसे वे पता चलतन, बड़े बाबू वे कहलकन जे ओजा को हम चल एलियन ले के मरीज के जोर, तो कहलक जे पप्पा मारलकन है, तो पप्पे के ने ढेस लगतन।
आय आ पप्पा पहिनौस कहे रहे जे मारि देबौ। जहिया सरसंडा गेले कहे रहे सरसंडा पहिने भाड़ा पर रखलकन लखीसराय में किरेदारनी बेचार हमरा सब चीन है हन ओझा तो ओझा से कह चलियन सरसंडा तो पूछबौ पूछबौ। बैसाख में 5 तारीख के बहन के बियाह कलकन हमरा सामने में कहलकन जे मारि देबौ तोरा मारि देबौ। तो हम कहलियन हमरा सामने में हमर बेटी के मार हम तोरा देख लेब देख लेब। तो हे अभी सालों नहीं लगल हमर बेटी चल गेले अब की करिए हमे हो दबा दूगो बेटी चार गो बेटा हो हमार बेटी की कर दल को गे मैया बस सरसन्ना में सब गाम ढोलहा देत बज हमार बेटी के मार देते मालिक हमार कल का मारे न दहो तो करबे भेले हमार बेटी चल गेले अब की करिए हमरा से की होते यार। आप पीड़ित परिजन की मां को सुन रहे थे। उनका आरोप है कि उनके दामाद के द्वारा ही उनकी बेटी और दो नतनी जो थी उसकी हत्या की गई है और अभी वो फरार पाए जा रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है और अभी जो है दीपक कुमार जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपया जो है परिवार को दिलवाया गया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।